हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आपको तीन बार उनका नाम लेना है, नाम नहीं पता तो फेस विजुलाइज करना है, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। ओके, दास सन का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहां पर आपके जो क्रश हैं या आपका जूडिक साइन दिखता है वो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन, तो ये ज्योतिक साइन मुझे दिख रहे हैं। वैसे ये ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग होती है, बट स्टिल मुझे ये ज्योतिक साइन दिखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी क्रश बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस सिचुएशनशिप के बारे में, आपके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में। देखो, हो सकता है आपका और आपके क्रश के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, यहाँ पर ये डिफरेंसेस भी दिखते हैं। बट तो सोचते हैं ना, बट जैसे इनको आपकी आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल आता है, तो ये कहीं और ही खो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। या हो सकता है आप लोग चैट करते हो या बात करते हो, तो मतलब मानो इनको कुछ भी याद नहीं रहता है, आपकी तरफ खो जाते हैं। मतलब एक चैट करते समय भी या बात करते समय या आपको देख पाते हैं तो इनको ना गुदगुदी सी होती है, खुशी सी होती है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। लिटरली आपके क्रश पेट लवर हो सकते हैं, इनको पेट्स पसंद है, डॉग पसंद है, उनको फीड कराना या आप फीड कराते हो, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बेसिकली टेबल दिखते हैं मुझे आपके क्रश, यानी कि करियर इनका अच्छा हो सकता है, एक राजा की तरह या एक क्वीन की तरह क्वालिटीज है, एक अच्छे दिल के, नरम दिल के मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हाँ, ये ना इस टाइप के इंसान होंगे, जैसे जो जैसा है ना, सामने वाला जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करते होंगे, यानी कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ा, और जो जैसा है, कोई अगर अच्छा है तो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है, और अगर कोई बुरा है तो एकदम से जवाब दे देना, वो क्वालिटी है क्वीन वाली, किंग वाली। और बेसिकली न्याय करने पर विश्वास रखते हैं, किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते हैं, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के क्रश मुझे यहाँ पर डिप्लोमेटिक भी दिखते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, वो एनर्जीज भी हैं। ओके, तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बेसिकली एक इंडिपेंडेंट, चाहे इनका करियर हो सकता है इंडिपेंडेंट, या इनकी सोच बहुत इंडिपेंडेंट मुझे दिखती है। ये ना मुझे काफी गुड लुकिंग दिखते हैं या ब्यूटीफुल दिखती हैं। हेयर्स इनके जो कमर तक, अगर आपकी क्रश है तो ऐसा कुछ दिखते हैं, दिखते हैं। और अगर मेल है, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल जो हेयर कट होता है वैसा कुछ दिखता है। बेसिकली इनको वॉच पहनना या एसेसरी पहनना वो भी मुझे दिख रहा है, बहुत पसंद है एसेसरीज पहनना। गुड मैनिफेस्टर हैं ये, बहुत स्पिरिचुअल हैं ये, और मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, दिल से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, दिल से, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, रूट से, यानी कि सीरियस हैं आपके लिए और रूट से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं आपके साथ कोई भी कनेक्शन हो, आपके साथ कोई कनेक्शन आने वाले टाइम में, मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी रखने वाले ऐसे मुझे दिखते हैं ये। ओके, इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि भाग के दौड़कर इसके पास आ जाऊं, कोई ऐसी एनर्जीज में मुझे ये दिखते हैं। बेसिकली आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको देखते रहते हैं, वो एनर्जीज मैं देख रही हूं।
हो सकता है आप इधर उधर हो ना, ये भाग के आ जाते हो आपके पास, या आपसे बात करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन देखते हैं, अगर आपका कुछ ऑनलाइन आप इनसे मिले हो या चैट्स होती हैं, तो एकदम से ऑनलाइन देखा तो अपना भी आ गए, और या फिर मैसेज करना टाइप करने लग गए, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ. ओके, बेसिकली दुआओं में आपको मांगते हैं, गॉड से आपको मांगते हैं, मतलब ऐसा इनको काश ये मुझे मिल जाए, काश हम दोनों रिलेशनशिप में आते, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके क्रश की. एक अलग सा अट्रैक्शन फील करते हैं ये आपसे, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये कनेक्शन हमेशा के लिए रहे. ये ना टाइम पास वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है कि चलो कुछ टाइम देख लेते हैं, सही लगी तो या सही लगा तो ठीक है, वरना फिर टाटा बाय बाय, वो एनर्जीज नहीं है यहाँ पर. ओके, बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं ये आपके लिए, सीरियस वाली मैं देख रही हूँ, सोचते हैं सीरियसली, जेन्युइन फीलिंग्स बोलते हैं ना, वो दिख रही है मुझे. तो चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को. रिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे यहाँ पर, 10 का कार्ड क्यों है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और चीजें कैसे आगे बढ़ाई जाए, ये चीजें सोचते हैं, ये कैसे आपके साथ कनेक्शन में आया जाए, क्या किया जाए ऐसा कि आप इनको मनाई ना कर पाओ, ऐसा कुछ ये फील करते हैं. ओके, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है. टेन ऑफ कप्स, देखो ये ना बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके साथ फैमिली का, आपको एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं, इनको ऐसा लगता है हर क्वालिटी है इसमें, एक अच्छा नेचर, एक गुड लुकिंग, और सब चीज तो है, ऐसा कुछ ये फील करते हैं. फैमिली के सपने देखते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बोला आप लोग को, टाइम पास वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, सीरियस वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे. ओके, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर ना, जजमेंट का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड क्यों है. द स्टार, देखो मुझे यहाँ पर दिखता है ना, हील कर रहे हैं अपने को, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ तो ऐसा है कि हील कर रहे हैं ये, या फिर आप किसी कनेक्शन से टूटे हो, करंटली आपका ब्रेकअप हुआ है कहीं, वो एनर्जीज दिख रही है, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनका ब्रेकअप हुआ है, या ये आपको हील करना चाहते हैं या खुद को हील करना चाहते हैं, वाइस वर्सा. ओके, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, या इनको पता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, बेसिकली हील करना चाहते हैं. यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है. किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई किया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ओ माय गॉड. तो मुझे ना ये आपको देखते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, स्पाई बहुत करते हैं, स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा ताड़ना, बहुत ज्यादा घूरना, बहुत ज्यादा आपके बारे में जानकारी लेना, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ. कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजर्व्ड, आप काफी रिजर्व्ड रहते हो, या ये रिजर्व्ड रहते हैं, वाइस वर्सा, कुछ ऐसी इन एनर्जीज में देख रही हूँ, बता नहीं पाते हैं खुलकर, या बोल नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट हैं बेसिकली ना. फीलिंग्स मुझे यहाँ पर भी, आपके अंदर भी फीलिंग्स है, इनके अंदर भी फीलिंग्स है, बट कन्फेस नहीं किया है, कुछ ऐसी एनर्जीज है. यूनिवर्स बताइए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है. किंग ऑफ वॉन्स, तो कहीं ना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, अपने प्यार में, कि मैं इसको इतना प्यार दूंगा या दूंगी कि ये मना नहीं कर पाएगी या कर पाएगा. बेसिकली आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि ये कितने अच्छे इंसान है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ. कॉन्फिडेंट है, आपको लेकर कॉन्फिडेंट है, अपने प्यार में कॉन्फिडेंट है इनको कहीं ना कहीं. देखो क्वीन या किंग जैसे हो आप दोनों, इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, और सोच वाइज हर चीज में इंडिपेंडेंट हो आप दोनों, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ. यूनिवर्स बताइए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है. एस ऑफ कप्स, आपका वेलकम करना चाहते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं ये, लिटरली आप देख रहे हो, मतलब इनको एक बहुत अच्छा फीलिंग, बहुत अच्छा वाइब, बहुत अच्छा ऑरा इनको आपका लगता है, पॉजिटिविटी, एक फ्रेशनेस वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ, क्योंकि फ्लावर्स भी हैं यहाँ पर, या फिर फ्लावर्स देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपकी पिक लेना चाहते हैं, कोई वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, पिक लेकर संभाल कर रखना चाहते हैं, या फोटो लेने का शौक है इन्हें, और आपकी फोटो लेना है, या फिर कुछ पेंटिंग का शौक है इन्हें, और पेंटिंग
बना के आपकी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कुछ तो है कि कुछ तो आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं जिस जिसने आज तक नहीं किया हो, वो वाली एनर्जी इसमें देख रही हूँ। ओके तो चलिए थोड़े और कार्ड्स और ले लेते हैं इस डेक से। यूनिवर्स यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। शौरो देखो आपसे दूर रहकर ना बहुत अच्छा नहीं लगता इनको, या आप किसी और के साथ, अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो सपोज और इनको पता है तो इनको बेसिकली अच्छा नहीं लगता, और ना ये चाहते हैं आप किसी के साथ कनेक्शन में आओ, क्योंकि इनकी एनर्जीज किसी आप अगर आपको किसी के साथ देखते हैं, सपोज आप कनेक्शन में नहीं भी हो किसी के साथ बट कोई फ्रेंडशिप है आपकी, किसी को आपके साथ देखते हैं ना सैड हो जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता इनको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। सिजोफेनिया का कार्ड है तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके लिए ना इनके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, अगर ये कन्फेस नहीं करेंगे ना तो इनको ऐसा लगेगा कि बस अपने तो मेरी जान ही निकल गई, कुछ ऐसे ही कन्फेस करना चाहते हैं बेसिकली। यहां पर है ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये अच्छे इंसान है, कहीं ना कहीं ये चीजें मैं देख रही हूं, आप इन पे ट्रस्ट कर सको, ऐसा ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, तो ये ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं आपको कि या आपका करंटली ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, तो ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं है। रीबर्थ का कार्ड है, बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं अपने अंदर, एक हिम्मत लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं कि बोल पाए, फाइटिंग अंदर ही अंदर ना अपनी फीलिंग से लड़ लें, बहुत ज्यादा फील करते हैं और अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग से, कि कंट्रोल करना होता है ना फीलिंग्स को, दबाना कंट्रोल करना, वो चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पर, लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग से, बताना चाहते हैं कि दिल में कितना प्यार है इनके, पर हाँ बता नहीं पा रहे हैं तो वही है फीलिंग से लड़ रहे हैं। ओके तो यस गाइस ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको ऐसी रीडिंग और मिल पाए क्रश पे, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो ना क्रश पे रीडिंग लाओ क्रश पे रीडिंग लाओ, तो मैंने सोचा चलो अब रीडिंग आपके लिए लाई जाए क्रश पे। ओके तो अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा रीडिंग लाऊं क्रश पे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।